नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में। काफ़ी लंबे समय के बाद चैनल पे कोई वीडियो अपलोड की जा रही है। पिछले लगभग एक साल से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। कल नेट का एग्ज़ाम हुआ है, NTA द्वारा करवाया गया, तो आज हम उसी पेपर में भूगोल विषय के पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। क्या प्रस्तावित उत्तर हैं, क्या आंसर की मानी जा सकती है, सभी क्वेश्चनों को लाइन टू लाइन या क्रम में इसको करने की कोशिश करेंगे, क्या उत्तर है, क्या होने चाहिए। तो पेपर नंबर 2 ज्योग्राफी, इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में ऊर्जा ह्रास की परिघटना का नियम कितने परसेंट है। इसका उत्तर होगा 10%। तो लगातार एक क्रम में जब ह्रास होता जाता है ऊर्जा का, तो कितने परसेंट ऊर्जा होगी, 10% ऊर्जा होगी। दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित उच्चावच लक्षणों को उनके उद्गम के आधार पर लगाइए। तो सबसे पहले आएगा साइबेरियन शील्ड, फिर आएगा स्कैंडिनेवियन पर्वत, फिर आएगा वास्टेज और फिर आएगा एटलस। इसका उत्तर एक होगा, सी बी ए डी। तो पहले का उत्तर 10% और दूसरे का उत्तर CBAD क्रम में लगाना था। सबसे पहले आएगी साइबेरियन शील्ड, फिर स्कैंडिनेवी उच्च भूमि, फिर वास्टेज पर्वत और फिर आएगा एटलस पर्वत। तो चारों का उत्तर यह था। अगला तीसरा प्रश्न जो था कि विश्व की कृषि प्रणाली को सही कथनों की पहचान करें, क्या क्या इसमें सही कथन थे, क्या क्या इसमें गलत कथन थे, उन सब पर बात कर लेते हैं। इस कृषि प्रणाली के अंदर उत्तर नंबर 1 सही होगा, ये चलवासी पशु चारण, यानी जो भेड़ और ऑस्ट्रेलिया के पशुओं को चराया जाना, ये चलवासी नहीं है, व्यापारिक है। और ये टैनिन जो है वो क्यूब्राको वृक्ष से नहीं होता, ये ओक के वृक्ष से होता है। तो इसमें सी और डी उत्तर सही होगा, इसका उत्तर ये था। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, कई बार लोग इस झांसी को रांची पढ़ जाते हैं, तो झांसी के ऊपर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं चमकती हैं, इसका उत्तर 3 होगा, कभी नहीं, इसका उत्तर 3 होगा, कभी नहीं। अगला, सर्वाधिक भूकंप संवेदी क्षेत्रों में कौन आता है, दिल्ली आता है, दिल्ली जो है वो सर्वाधिक भूकंप संवेदी क्षेत्रों में आता है। अगला क्वेश्चन वॉन थ्यूनन का था, 56 नंबर, क्रम में लगाना था। सबसे पहले दुग्ध उत्पादन, फिर लकड़ी उत्पादन, फिर खाद्यान्न उत्पादन और फिर पशुधन, BCAD, उत्तर नंबर 3। फिर एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जनसंख्या का विस्फोट किससे जुड़ा है, अगर आप HS गर्ग की किताब देखेंगे तो उसमें औद्योगिक क्रांति उत्तर दिया हुआ है, वो मानते हैं, पर मुझे लगता है कि औद्योगिक के साथ चिकित्सा क्रांति भी उत्तर हो सकता है। इसमें 2 या 3, ये नेट के मानने पर है कि इसका उत्तर क्या होगा, चिकित्सीय क्रांति भी हो सकता है, औद्योगिक क्रांति भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी उत्तर हो सकता है। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से नेट के GPS के टॉपिक से लेकर ये क्वेश्चन, और NCERT की अगर आप किताब देखेंगे प्रैक्टिकल की कक्षा 12 की, उसमें हूबहू ये लाभ और हानि दिए हुए हैं। बहुत से कोचिंग सेंटर ये दावा करते हैं कि ये हमारे एक नोट से आया, ज्यादातर पेपर किताबों से ही आता है, आप उसमें से क्या चीज छांटते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर था 58 नंबर, 58 का उत्तर होगा 4, इसमें ए व सी सही है, ए व सी जो क्वेश्चन है वो इसका सही उत्तर है, सदिश वेक्टर डाटा और इसके अंदर ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण से प्रभावित और उससे आवश्यक रूप से जुड़ी हुई नहीं है, तो इसका उत्तर होगा चतुर्थ क्रिया पर पर्यावरण का प्रभाव और कुछ भी नहीं होता, इसका उत्तर 4 नंबर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन मिलाना था, आपनु सदा बार वन है, चंदन पर्णपाती है, मैंग्रोव ज्वारीय है, देवदार अल्पाइन है, तो 1, 2, 3, 4, इसका उत्तर 2 नंबर होगा, 1, 2, 3, 4, 60 का उत्तर 1, 2, 3, 4। अगला,
नगरीकरण के आधार पर इन्हें लगाना था क्रम के अंदर? इसका उत्तर है 3 नंबर। इसका उत्तर है 3 नंबर, क्योंकि माल्टा का नगरीकरण लगभग 100% के आसपास है और नेपाल का लगभग 20% के आसपास है। तो डी सिर्फ एक ही उत्तर में लास्ट में था, तो उत्तर ये बन रहा था क्रम में लगाना था, वो भी अवरोही क्रम में, तो डी लास्ट में एक में था। 62 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार एससी सर्वाधिक प्रतिशत में पूछे थे। कई लोगों ने उत्तर प्रदेश उत्तर लगाया, पर इसका उत्तर पंजाब होगा। पंजाब में लगभग 31.6% के आसपास एससी हैं, 31.6% एससी हैं, तो ये अपने को याद रखना था कि इसका उत्तर क्या था। अगला 63 नंबर, एक डायग्राम था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और इसका उत्तर एज सिटी भी हो सकता है और आवासीय उपनगर भी हो सकता है। तो मैं भी मेरे हिसाब से इसका उत्तर 2 या 3 में से एनटीए एक मानेगी, वो भी कोई एक। अगला कालक्रम पूछा गया था भारत में अधिनियमों का, एयर एक्ट 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता 2002 और हरित अभिकरण 2010, ग्रीन ट्रिब्यूनल जो भी बनाया गया था। तो इसका उत्तर डी बी सी ए 4 नंबर, इसका उत्तर डी बी सी ए 4 नंबर जो है वो होगा ये वाला। चलिए अगला 65 नंबर क्वेश्चन, पाश्चात्य संस्कृति में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, शैल मलबा ढाल विवर्तनी की भी नहीं है, ज्वालामुखी भी नहीं है, अपरदनात्मक नहीं है, उन्यात्मक ताल शंकु निक्षेपण से बनते हैं, तो उन्यात्मक ढाल इसका उत्तर होगा। सामाजिक भूगोल सामाजिक पक्ष को स्थानिक रूप से प्रतिबद्ध करने के लिए है, इसका उत्तर 3 नंबर होगा, स्थानिक रूप से प्रतिबद्ध करने के लिए है। अगला क्वेश्चन नंबर, उपेन से हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है। सबसे पहले AW सवाना प्रकार की जलवायु है, BS जो है वो स्टेपी प्रकार की जलवायु है, CS उपोषण युक्त और EF सतत तुषार। तो 3 किसमें है पहले, 3, 1, 4, 2, 1 नंबर उत्तर होगा इसका। 68 नंबर का उत्तर 1 होगा, कोपेन के अनुसार आपको इसे मिलाना था। अगला क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर 1 और 20 सही है दोनों, पूछा गया था तो मिडाल के सिद्धांत को संचयी कार्य उत्पादन सिद्धांत कहते हैं, सही बात है। दूसरा भी सही बात है, शोषण के रूप में विकसित होते हैं, फिर बाहर की ओर जाते हैं, तो वहां से फिर वहां विकास होता है, फिर वहां से लोग काम करने के लिए इधर आते हैं, तो पहला ये गलत था और ये भी गलत था, तो ए और बी। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको आप बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मान सकते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन, काफी शानदार प्रश्न और इसका उत्तर 4 होगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज गलत है, जो इसने ये बात कही है कि यह पुराने और स्थाई हैं, यह गलत बात है, स्थाई नहीं होते, ऐसी पट्टियां दोनों बार आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, बीच में से मलबा बाहर निकला या लावा बाहर आया फिर एक पट्टी बनी, तो अस्थायी रूप से आगे चलते रहते हैं, स्थाई नहीं होते हैं। बाकी तीनों कथन इसमें सही थे, बी सी और डी। 71 नंबर क्वेश्चन शानदार प्रश्न था, क्या नेट इसको उत्तर मानता है क्या नहीं मानता ये उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अगला, अगले को क्रम में लगाना था कि निम्न में से इन भूपत्रों को क्रम में लगाइए, तो इसका उत्तर जो है वो है 3 नंबर, DACB सबसे छोटा, फिर ये सबसे बड़ी 4x4 डिग्री की होती है ये, फिर उसके अलग सब पार्ट, तो DACB क्रम में लगाना था। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, 73 नंबर, इसका उत्तर 2 होगा, यानी केवल बी और डी सही है, केवल बी और डी सही है। चीन सागर की तुलना में लाल सागर में लवणता अधिक है और वाष्पीकरण की दरक ये गलत है, बाल्टिक सागर की तुलना में बेरिंग सागर में लवणता अधिक है, तो बी और डी 2 सही थे, 73 का उत्तर 2 होगा। चलिए अगला प्रश्न, इनको क्रम में लगाना था, कौन सा प्रवाह सबसे मंद चलता है, क्रीप
फिर मृदा सर्पण, सी के बाद में बी, ये एक ही ऑप्शन में था, फिर डी भूमि प्रवाह, और सबसे कम कौन सा होता है, सबसे तेज कौन सा होता है, पंख प्रवाह। तो सबसे पहले सबसे मंद संचलन मृदा संरचना या सरकना या क्रीप का, फिर मृदा के सर्पण का, फिर भूमि प्रवाह का, और फिर पंख प्रवाह का। तो ये याद रखना है अपने को, इसका उत्तर सी बी डी होगा। कौन सा 15 कृषि जलवायु प्रदेश में नहीं है, थार मरुभूमि नहीं है। अगला, इनको पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना था, सबसे पहले मलक्का आएगी, फिर आएगी पाक, डी के बाद में ए आएगा, डी के बाद में ए, ए की ऑप्शन में था, डी ए बी सी, क्षेत्र का उत्तर ए होगा, डी ए बी सी, इसमें थार मरुभूमि और इनका अपना क्रम था, मिलाना था। कौन सी स्थलाकृति किससे संबंधित है, तो नदी की स्थलाकृति संरचनात्मक सोपान है, परिहिमनद की पिंगो है, समुद्री तरंग की टोम्बोलो है, इसकी हिमानी धोत मैदान है। तीन एक, तीन एक, उसके बाद में चार दो, इसका उत्तर सी होगा, 70 नंबर का उत्तर सी होगा भाई, तीन नंबर। अगला प्रश्न, निम्न में से ये सूत्र किसके लिए प्रयोग में लाया गया है, सामान्य सा अगर आप जेपी शर्मा की किताब देखोगे तो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, अगले में किताबें मिलानी थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड टेलर की किताब है, शेफर ने 53 में लिखी, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी अपवादवाद जिसको आप बोलते हैं, पल्स ऑफ एशिया हटिंगटन की किताब है, और ला ज्योग्राफिया हुमेन जीन ब्रुंश की किताब है। तो तीन चार एक दो, तीन चार एक दो, उत्तर नंबर दो होगा इसका, 79 का उत्तर नंबर दो होगा, तीन चार एक दो। अगला 80 नंबर बढ़िया प्रश्न, निम्न में से स्थानिक विभेदन को आरोही क्रम में लगाना था, आरोही का मतलब घटते से बढ़ते की ओर, तो सबसे पहले आएगा कार्टोसेट, सबसे पहले आएगा कार्टोसेट, फिर आएगा ओवरव्यू, फिर आइकोनोस, और फिर लिस, लिस का सबसे ज्यादा होता है, तो बी डी ए सी 80 नंबर का उत्तर ये था। अगला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इतनी बार आया हुआ, निम्न में से हवाई ज्वालामुखी प्लूम पे चलते हैं, प्लूम पे एक बेलनाकार पिचक पे चलते हैं जो कि किसी प्लेट के मध्य में होते हैं और किसी नली के द्वारा जुड़े होते हैं जहां से लावा बाहर की ओर आता है। स्पाइकमैन ने रिमलैंड के सिद्धांत में समुद्र की शक्ति पर अधिक बल दिया है, कौन सा नियम विद्युत चुंबकीय वर्णाक्रम में किसी वस्तु की विकिरण की मात्रा के बारे में, प्लैंक का नियम, प्लैंक का नियम इसका उत्तर होगा, प्लैंक का नियम जो है वो विकिरण की मात्रा की अंतर्दृष्टि को बताता है। अगला, मैक्सिको में प्रशांत महासागर की प्लेट पर भूकंप आता है, किस कारण से आता है, कोकोस प्लेट के कारण आता है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर लगाइए, सबसे अधिक मोनैको का, फिर बांग्लादेश का, सबसे कम भूटान का, डी सबसे पहले आएगा, ए सबसे लास्ट में आएगा, ए की उत्तर बन रहा है चार नंबर, नहीं आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में लगाना है, सही है, डी पहले मोनैको, मतलब घटते से कम, पहले भूटान आएगा, सॉरी पहले भूटान आएगा, आरोही क्रम में लगाना है, ए सी बी और डी, आरोही में लगाना, आरोही में लगाना है, तो ए सी बी डी उत्तर होगा इसका, दो नंबर उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, किसके अनुसार, वेबर के अनुसार, ओ सॉरी, हाँ वेबर के अनुसार, स्थल या श्रम निश्चित स्थानों पर होता है, श्रम निश्चित स्थानों पर होता है, फ्रीडमैन के मॉडल को केंद्रीय परिधि सेंट्रो पेरिफेरी बोलते हैं, और भारत में कोटी आकार नियम केरल राज्य पर लागू होता है, नोमोथेटिक विषय विधि आधारित विषय होता है, नोमोथेटिक शब्द विधि आधारित विषय होता है। अगर आप एनसीईआरटी 12वीं की किताब का पहला पहला चैप्टर का पहला पेज खोलेंगे, वहां लिखी हुई है नोमोथेटिक अप्रोच, तो विधि आधारित विषय को क्या बोलते हैं, नोमोथेटिक अप्रोच बोलते हैं। 89 का उत्तर एक होगा। उसके बाद में निम्न में से किसका पारिस्थितिकी तंत्र संख्या के अनुसार उल्टा होता है, वृक्ष का, वृक्ष का उल्टा होता है, चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से प्रभावित है, डब्ल्यू एम डेविस का अपरदन चक्कर,
डब्ल्यू एम डेविस का अपवर्तन चक्र चार्ल्स डार्विन की अपवर्तन चक्र से सॉरी हाँ उससे प्रभावित है। अगला आर्द्रता पूछी गई थी क्वेश्चन नंबर 92, इसका उत्तर 2 होगा। सापेक्ष आर्द्रता को हमेशा प्रतिशत में माना जाता है, डी का उत्तर 1। निरपेक्ष आर्द्रता ग्राम क्यूबिक घनमीटर में, विशिष्ट जो है वो और मिश्रण इसके अंदर। अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन, ब्लैकफुट रोग पूछे गए थे उनके अनुसार से, तो फेफड़े का कैंसर धूम्र कोहरे से होता है, उसके बाद में त्वचा का कैंसर पराबैंगनी से, मीना माता पारे से और ब्लैकफुट भूजल से। तो 2, 3, 4, 1 तीन नंबर उत्तर होगा इसका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 94, बढ़िया प्रश्न है। एक आपने देखा होगा नेट के पेपर में इस बार अच्छे स्तर के प्रश्न बनाए गए हैं, ज्वालामुखी या जितने भी टॉपिक अगर आप फिजिकल के देखेंगे, क्लाइमेट हो, ओशियन हो या फिजिकल से सबसे अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं। तो 94 नंबर का उत्तर होगा 4 नंबर, केवल ए और डी सही है, ए सही है और डी सही है, ये गलत है, ये गलत है। ये सामने पड़ा था चक्रवातों की बारंबारता आंध्र महासागर में वैसे ही कम होती है, और ये सब भूगोल में साहित्यिक परंपरा केटीएस से शुरू होती है क्योंकि उसने जस्ट पीरियड्स लिखी है, किताब मानते हैं लोग तो उसके लेखन क्लासेज को चलता है। निम्न में से स्तय को उनकी दवलता के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए, तो इसका उत्तर 3 होगा। सबसे अधिक बर्फ की, फिर मेघावरण की, फिर रेत की और फिर जल की, सी बी डी ए। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, वाणिज्यिक सेवाओं को उनके अनुसार क्रम में लगाइए, वाणिज्यिक सेवाओं को उनके अनुसार क्रम में लगाइए। तो विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं में भागीदारी, इसका उत्तर 2 होगा। सबसे अधिक इस क्रम में आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सबसे कम ब्राजील की, फिर थाईलैंड की, फिर नीदरलैंड की, सबसे अधिक यूके की। तो ए सी बी डी, जहां सड़कें मिलती हैं वहां तारानुमा प्रतिरूप बनता है, सामान्य सा प्रश्न था, कुछ भी सोचने समझने वाला इसमें नहीं था। 99 नंबर, इनकी मात्रा को अवरोही क्रम में, तो इस बार नेट ने आधे लोगों को तो आरोही अवरोही में उलझा लिया क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन थे, क्या आरोही अवरोही का मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना है। तो प्राथमिक उत्पादकता किसमें ज्यादा है, सबसे अधिक दलदल की सबसे अधिक होता है, फिर मध्य अक्षांशीय वनों की, फिर घास के मैदान की और महासागर की, तो वैसे भी प्राथमिक उत्पादकता होती नहीं है तो वो 0 में आएगा। फिर दिन की अवधि के अनुसार क्रम में लगाइए, इसका उत्तर 3 होगा। सबसे अधिक मॉस्को यानी, फिर शंघाई, चेन्नई और ढाका। ठीक है, तो मेरा उत्तर 3 होगा, सी डी ए बी, दिन की अवधि के अनुसार लगाना था। अगला 101 नंबर, स्वच्छ जैविक अवधारणा किस प्रोटोकॉल से शुरू हुई, क्योटो प्रोटोकॉल से। कागज उद्योग के अंदर पुनालूर सबसे लास्ट में आ गया, सी सिर्फ एक में ही था लास्ट में, तो ए सबसे ऊपर नैनी यूपी में, फिर नांदेड़ महाराष्ट्र में, कुन्नूर आंध्र प्रदेश में और पुनालूर केरल के अंदर। तो इसका उत्तर ये होगा 103। प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों में सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की है, सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की है, इसका सामान्य सा उत्तर था। 103 का उत्तर 1 होगा। उसके बाद में सिर्फ गर्त मिलाने थे और एक से ही उत्तर निकल रहा था, और थोड़े दिन पहले ही बात हुई थी कि सुंडा गर्त किस महासागर में है, हिंद महासागर में है, तो डी का उत्तर 3-1 में ही पड़ा था, इसका उत्तर नंबर 2 होगा। कुछ भी मानने वाला इसमें नहीं था। चलिए जनसंख्या नीति के उपायों को उनके अनुसार क्रम में लगाइए, क्वेश्चन नंबर 105 का उत्तर 4, इसमें केवल बी और डी ही सही है, इसमें केवल बी और डी ही सही है।
तो एक तो ये और एक ये। कैफेटेरिया उपागम 1974 का है, उसका एक क्वेश्चन बिंदु इक्वेरिस पेपर में आया था। उसके बाद में मिलाने थे कौन कौन से किस किस तरफ है, कौन कौन से किस किस तरफ। सार्क सबसे पहले ईयू में ऑस्ट्रिया आएगा, ओपेक में आएगा वेनेजुएला, फिर आशियान में इंडोनेशिया आएगा, सार्क में नेपाल आएगा। तो ये उत्तर था 2341, 2341, दो नंबर उत्तर होगा इसका। अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या मानेगी ये उन पर निर्भर करता है। 108 का उत्तर, 108 का उत्तर तीन नंबर है, केवल ए और डी सही है। ए और डी पूर्णतः नहीं खोला, ये तो सामान्य गलत पड़ा था, तो सी कट रहा था, दो के तो कट ही गया। फिर स्वास्थ्य कर्मियों बाल श्रम से जुड़े विषय को महत्व दिया जाता है, नहीं इतना महत्व नहीं देती WTO, तो इसमें एक और चार ही उत्तर जो है वो बन रहा था। 108 का उत्तर जो होगा वो तीन होगा। उसके बाद में 109, बढ़िया प्रश्न, फिजिकल का फिर एक अच्छा प्रश्न आया, NTA द्वारा बनाया गया। डेविस के अपवर्तन चक्र को सामान्य अपवर्तन चक्र कहते हैं। 109 का उत्तर दो, ए और डी, इसमें भी ए और डी। डेविस ने दालपतन दिया है, पैंक ने डाल प्रतिस्थापन दिया है, और डेविस के नदी प्रक्रम के अपवर्तन चक्र को सामान्य अपवर्तन चक्र कहते हैं। ए और डी सही था। उसके बाद में 110 क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न, 110 प्रश्न, बढ़िया प्रश्न, इसका उत्तर नंबर चार गलत होगा। चंडीगिर में के लिए व्रतों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें गलत पूछा था, चार नंबर है। मानसिक मानचित्र व्यवहार पर भूगोल से संबंधित है, सामान्य सा प्रश्न, इतनी बार नेट ने रिपीट किया है इसको। उसके बाद में 112 का उत्तर एक, इसमें भी ए और डी सही है। प्रास वो क्षेत्र होता है जहां से लोगों को सेवाएं देने के लिए उत्सुक है, और नगर जितना बड़ा होगा उसका संपूर्ण क्षेत्र भी उतना बड़ा होगा, ये जरूरी नहीं होता और ये भी जरूरी नहीं होता, तो ए और डी। ज्वार भाटा के क्रम को उनके काल के अनुसार लगाइए, इसका उत्तर एक है। सबसे पहले लाप्लास का गतिक सिद्धांत, फिर वेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, फिर एरी का कैनाल सिद्धांत, और फिर हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत। तो 13वें का उत्तर एक होगा, बी डी ए सी। 114 नंबर, टोरनेडो से संबंधित प्रश्न था और बढ़िया प्रश्न था, टोरनेडो से संबंधित प्रश्न था, बढ़िया प्रश्न था, ठीक है। इसका उत्तर माना गया चार, ए बी और सी, सी नहीं है, ए बी और सी। वर्गेस द्वारा के क्रमों में लगाना था, कौन सा खंड कैसे आएगा, इसका उत्तर चार होगा। सबसे पहले फैक्ट्री या कारखाना खंड, फिर ए संक्रमण खंड, फिर अभिगमक खंड, और फिर कामगार फिर अभिगमक। कंप्यूटर जोन सबसे बाहर में होता है, तो ये उत्तर बी सबसे लास्ट में एक में ही था। गहरी भूविक्षेपी समुद्री बेसिन के पश्चिमी सीमाओं पर चलती हैं, किस सीमाओं पर चलती हैं, पश्चिमी सीमाओं पर चलती हैं। 116 का उत्तर चार होगा। चलिए अगले पे बात करते हैं। 117, निम्न में से अल्प पोषित जनसंख्या को क्रम में लगाना था, सबसे कम सबसे आरोही में सबसे कम ज्यादा, हाँ उपसारा में सबसे लास्ट में होगा। 117 का उत्तर चार, तो सर्वाधिक अल्प पोषित लोग कहाँ हैं, उपसारा अफ्रीका में है, सबसे कम मध्य एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी एशिया में, और फिर उपसारा में। सी बी डी ए बढ़िया प्रश्न था, ये भी एक सामान्य अगर आप लगाते तो भी उत्तर लग जाता है इसके अंदर। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर तीन होगा, इसका उत्तर तीन होगा। ये वायव्य चित्र के परिकलन में काम आता है, सॉरी ये उच्चावच विस्थापन के परिकलन में काम आता है, ये वायव्य चित्र के परिकलन में काम आता है, ये ऊंचाई में, और ये शटर की गति को प्राप्त करने में। तो ए 4-3-2-1 उल्टे चलने थे, ऊपर से नीचे के उल्टे मिलाए गए थे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, 119 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर दो है,
सामने पढ़ा था कि जल की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रवाह में समुद्री जल की भूमिका नहीं होती है, होती है क्यों नहीं होती है, तो ये सामने सामने गलत पढ़ा था। अगला, राष्ट्रीय चक्रवात परियोजना, ये वैसे इसका उत्तर नहीं था, मुझे ये मानने को लगता है क्योंकि ये 2011 में शुरू हुई उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, परंतु अभी वर्तमान में सरकार ने इसे 21 में लागू किया, तो 21 उत्तर हो सकता है, बाकी गलत भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर चेक करेंगे तो ये परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया पूछी थी, तो ये परियोजना 2011 की है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से के दो राज्यों में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 121 नंबर, इसका उत्तर 3 होगा, बी सी और डी। जरूरी नहीं है कि सुनामी भूकंपीय तरंगें ही होती हैं। चलिए अगला, निम्न में से अगले में आपसे वलन को क्रम में लगवाया गया था, और वो भी किस में, क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर की ओर, जो लेटे हुए वलन है वो पहले आएंगे और जो दूसरे वलन है वो ऊपर जाएंगे। इसका उत्तर 3 होगा, इसका उत्तर 3 होगा, सी बी ए डी। औसत वार्षिक वर्षा 39 इंच होती है, अगर बदलेंगे तो लगभग 100 सेंटीमीटर होगी, 99 के आसपास है, लगभग पूछी थी, तो 100 सेंटीमीटर उत्तर होगा। निम्न में से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन सुधारने को कम करने के लिए जैव ऊर्जा का सहारा लिया जाएगा, तो यहां जैव ऊर्जा इसका उत्तर था सामान्य सा। अगला 125 नंबर, इसमें आपसे कुछ देशों की पूछी गई थी, इसका उत्तर 2 है, फ्रांस, उच्च से निम्न के क्षमता अनुभव करने वाला देश, नाइजर कुल प्रजनन वाला, सी बहुत अधिक, फिनलैंड अति निम्न शिशु मृत्युता दर में आएगा। अगला, इसको SIJ से डोनेट करते हैं, SIJ से पृथक्करण वाले को, बढ़िया प्रश्न था ये भी, अगर आपने सिर्फ सूत्र ही देखा होता तो इसका उत्तर लग जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 127 का उत्तर 3 होगा, उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, कीट द्वितीयक उपभोक्ता, सर्प अपघटक, कवक, सामान्य सा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, किसी ने अगर डायग्राम नहीं देखा हुआ किताबों में तो क्रम पूछा गया था, तो इसका क्रम होता है ये चतुर्थ क्रम की है, पहला क्रम यहां तक, फिर सहायक क्रम, जैसे जैसे ये रंग बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे क्रम बढ़ता जाएगा, इसका फोर्थ ऑर्डर था, इसका उत्तर चतुर्थ क्रम होगा, फोर्थ ऑर्डर होगा। अगला, ग्लोबल वार्मिंग में गैसों को क्रम से लगवाना था, ग्लोबल वार्मिंग में गैसों को क्रम से लगाना था, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले, और फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर 2021 से 2030 के दशक को परितंत्र, नहीं 130 का उत्तर 2, हाँ परितंत्र प्रतिस्थापन के नाम से संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है, तो इसका उत्तर 2 होगा 130 का। 131 ये परिभाषा टेलर की है, नॉक्स की भी नहीं है, ये टेलर की परिभाषा है, परिभाषा है ये वाली कि सांस्कृतिक क्षेत्रों के अनुसार जो जटिल समिष्टि है, टेलर की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन 132, जनजातियों को मिलाना था, इसका उत्तर ए होगा, उल्टा चलना था इसके अंदर, कादर नेग्रिटो, संथाल, पोटोस्लाइड, चकमा, मंगोलाइड, बंगाल के कायस्थ, पश्चिमी चौड़े सिर वाले, अनुसूचित जनजाति के आधार पर अवरोही क्रम में लगाइए, इसका उत्तर जो है वो एक होगा, सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड। तो एक क्वेश्चन SC से आया, एक क्वेश्चन ST से आया। वैश्विक समुद्र तापन में जो बर्फ पिघल रही है वो समुद्र के तापीय प्रसार के कारण हो रहा है, ओजोन क्षरण भी हो सकता है, परंतु जो मानेगी नेट 1 या 3 में से वो उन पर डिपेंड करता है। अगला 135 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर 2 होगा, मिलान करना था, परेड की व्यवहार पर मैट्रिक्स थी, सी का उत्तर 2, 1 में ही पड़ा था।
का उत्तर दो एक में पढ़ा था, बाकी सब आप मिला सकते थे उससे ही। अगला क्वेश्चन 136 नंबर, जैविक भू रासायनिक चक्र के तो क्वेश्चन बढ़िया था, जैविक भू रासायनिक चक्र के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। इसका उत्तर दो होगा, ए और बी ही सही है इसमें। अगला, सड़ी जंजा की बारंबारता अश्व अक्षांशों पर सर्वाधिक होती है, सड़ी जंजा की बारंबारता अश्व अक्षांशों पर सर्वाधिक होती है। 137 नंबर का उत्तर दो होगा। फिर 138, इसमें एक यूनिवर्सिटी सम्मिलित नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी, इसका उत्तर तीन होगा। अगला क्वेश्चन, मिलानी थी कौन सी जीपीएस प्रणाली किसकी है, तो बीडीयू, अगले में ऑप्शन प्रणाली मिलानी थी कौन सी परिवहन प्रणाली किसकी है, तो जीपीएस यूएसए की है, गैलीलियो यूरोपियन संघ की है, क्यूजेडएस जापान की है, सॉरी, और बीडीयू चीन की है। ये मिलाना था उत्तर, बीडीयू चीन की है, ये पूछी गई थी आपसे। अगला 140 नंबर, हार्टलैंड के संबंध में शामिल नहीं है, तो ये इतनी बार बोला गया प्रश्न था क्लास के अंदर कि क्या इसका उत्तर होगा, कौन सा हार्टलैंड में शामिल है कौन सा नहीं है। दो प्रश्न आए हैं, दोनों बढ़िया तरीके के आए हैं, दोनों प्रश्न मैकिंडर से, स्पाइक बैन से, दोनों अच्छे प्रश्न आए हैं, कौन सा हार्टलैंड में शामिल है और कौन सा नहीं है। इसका उत्तर चार नंबर है, बी और सी, जापान शामिल नहीं है। बस अगला, दो पैराग्राफ आए थे, सीधे उत्तर लगाने थे और कुछ नहीं करना था पढ़ के, एक का तो कोई संबंध भी नहीं था। चलिए, पहले का उत्तर दो होगा, हम्बोल्ट। अगले का उत्तर, सेक्सटेंट जो है वो नौ संचालन में भौगोलिक स्थिति में आकाश का नीला होना प्रकीर्णन का परिणाम है, आकाश का नीला होना प्रकीर्णन का परिणाम है। 144 में आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से, और इसमें हेडली कोष्टक सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है इसको ऊंचा करने के लिए। अगला जो टॉपिक था उसमें भी एक पैरा आया हुआ था, पहले में नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तीन नंबर उत्तर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तीन नंबर उत्तर था इसका। अगला, लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में ये चौथी समिति थी, जीआरवी और एलएम सिंघवी समिति, कौन सी पंचवर्षीय योजना, दसवीं पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया ग्रामीण और स्वास्थ्य मिशन योजन। अगला, 1950 में आप भारत का उद्देश्य नहीं है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना, प्राचीन समय का पूछा गया था, तब एफडीआई पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था, तो विदेशी निवेश को बढ़ावा देना इसका उत्तर नहीं था। अंतिम क्वेश्चन, भारत में नियोजित विकास का सबसे पुराना काम क्या है, बड़े और मौलिक आधारभूत उद्योगों की स्थापना, ना कि समावेशी विकास, क्योंकि प्राचीन समय का पूछा गया था, पुराना लक्ष्य पूछा गया था। ये आपका नेट का पेपर था और ये उसकी आंसर की थी, मेरे हिसाब से 95 क्वेश्चन जो हैं वो इनफ होंगे इस पेपर में नेट के लिए, और 98 के आसपास क्वेश्चन जेआरएफ के लिए, तो लगभग तो ये कुछ आंसर की इस प्रकार से थी। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, जल्दी चैनल पर वापस से काम शुरू किया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।